लाजमी आना सर। तू ना ये चाह तू आया ना आपने भी लाजमी आना। नहीं आना वो मर्जी नहीं आ रहा है, शुगर लगा रहा है, नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई लोग, खुश आए हो। अच्छा यार आज टोटली सीन बड़ा बम्बो किस्म का है, और फिर आज जरा मेरे दोस्त की शादी है, आज दोस्त की शादी पे जाना है। आज काफ़ी अरसे बाद किसी दोस्त की शादी आई है और किसी दोस्त ने शादी में हमें इनवाइट किया। अच्छा तो हम जाएंगे आज उसकी शादी पे, पर अभी मैं सो के उठूँ यार, अभी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हूँ। फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने अभी दोस्त को फ़ोन किया है, एक दोस्त ने मेरे साथ जाना था, हमने जाना है सैलून पे। सैलून पे जाकर थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करवा रही है, थोड़ा सा वो बच्चा बन के दिखाएंगे, और वहाँ पे जाके हमने सेटिंग वगैरह करवा के फिर वहाँ से हमने जाना है दोस्त की तरफ दोबारा। एक दोस्त है, नाम उसका हैदर है, और उसकी तरफ जाएंगे, उसकी थोड़ा सा चीज़ें हैं वो पिक करेंगे, और पिक करने के बाद फिर हम सारे दोस्तों को कॉल वगैरह करेंगे कि अब हम कब मिलें और मतलब किस जगह पे इकट्ठे हों ताकि हम साथ जाएं, क्योंकि हमारा साथ जाने का सीन है सब दोस्तों का उसके वलीमे में। और फिर घर आएंगे तकरीबन, वो सारा डिसाइड करने के बाद फिर हम घर आएंगे, घर आके हम तैयार वगैरह होंगे, तैयार वगैरह होने के बाद हम फिर जाएंगे वलीमे पे, दोस्त के वलीमे पे जाएंगे। वलीमे पे जाके फिर वहाँ से जाके ज़रा आप आज का व्लॉग आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, सब दोस्तों की ज़रा थोड़ी थोड़ी टांग खींचेंगे, थोड़ी थोड़ी टांग खींचने के बाद फिर हम उसका वलीमा इंजॉय करेंगे, सब दिखाएंगे, उस दोस्त से भी मिलाएंगे जिसका वलीमा है। वो बचपन के सारे दोस्त हैं, काफ़ी अरसे के 10-11-12 साल की दोस्ती है हमारी, तो फिर आज खुशी है कि यार आज उसकी शादी है। चल झूठा, उसको ज़्यादा खुशी होगी कि उसकी शादी है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो इंशाल्लाह अब बार्बर की शॉप पर जाना है, दोस्त आ रहा है, दोस्त आता है तो फिर आपका व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं, आज आपके साथ बहुत सी बातें शेयर करने वाली हैं, फिर चलते हैं आगे। ओके हाँ जी, तो भाई जान पहुँच गए हैं हम, तैयार शेयर होके खड़े हुए हैं, कुछ भाइयों और का इंतज़ार है जो इकट्ठे होंगे, एक हमारे हैदर भाई हमारे साथ आ गए हैं, और जाने की तैयारियां तो फुल हैं, तैयार हुए हैं, पोपड़ बच्चे बने हुए हैं, लड़कियां हमें नहीं देखती। मैं समझाऊँ तो कैसे समझाऊँ, इस चीज़ का खौफ है, रास ना रखना, और बस दो भाई गए हैं वो आते हैं तो साथ ही बाकी रास्ते में मिलते हैं। शादी हो रही है, बड़ी मुश्किल से शादी हुई यार, ये भाई के लिए भी बड़ी मुश्किलें दरकार है। म्यूजिक यार हमारा भी टाइम लग गया, फिर अगर टाइम थोड़ा दूर हो गया फिर खुद खुशी बताएगी ये जी। क्या बोला तूने? बहुत खुशी, कब तक चारपाई के दोनों तरफ से उतरोगे? दोनों तरफ से जी, दोनों तरफ से भाई जी, इनके लिए भी थोड़ी मुश्किलात का सामना है, आगे देखते हैं कि क्या होता है, बाकी भाई आ रहे हैं उनका वेट चल रहा है, आगे मिलते हैं फिर क्या ये जी हमारे दूल्हे साहब, ये दूल्हे साहब और ये बहन, ये हमारे दूल्हे साहब आ गए, नहीं रोटी मिलती नहीं, मैं दाल माच दाल चना दाल फ्राई, तू बाद आ जा, बाद आ जा, मैनू तू लभ लै, मैं तेनू दसांगा चिकन पकौड़ा हेलो भाई रोटी खुली है, हेलो ओ भाई, ये जी हम हॉल के अंदर जाते हुए फुल एयर कंडीशन एसी, हम एंटर होने लगे हैं हॉल के अंदर।
ये हम कोने वाले टेबल पे बैठते हुए बेसिकली मार्की है ये और डिसाइड हो रहा है कि कहाँ बैठना है। कहाँ बैठने का सोचा भाई? वो भाई यहाँ ठंड बहुत यहाँ मुंह पे एसी लगा हुआ है, यहाँ ठंड बहुत है ये, यहाँ भाई एसी लगा हुआ है, यहाँ बैठ नहीं सकते। हम दोबारा आगे चलते हुए ये जा किधर रहे हो? उधर भी एसी है भाई, हेलो उधर भी एसी है। इधर भी एसी लगा हुआ लेकिन थोड़ा साइड पे है उसकी निस्बत। ये जी थोड़ा रोटी शोटी का सीन चलने लगा और ये सारे भाई हमारे बैठते हुए, ये एसी भी ठंडी हुआ है। ये तो प्रैंक हो गया हमारे साथ, हम बैठे उन्होंने ढक्कन उठाया अंदर से खाली निकला, पता नहीं इसके अंदर डालेंगे क्या ये ढक्कन। सबको मिलेगा जी, ये दोस्त की शादी में एंजॉय हो रहा है, ऐसा प्रोटोकॉल आपने कहीं नहीं देखा। अगले ने खाली दिखा दी है बोतल रोटी, ये पुखड़ आते साथ शुरू। हम जरा अभी हाथ ही बांध रहे थे तो वो भाई हम इससे पहले शुरू करते हैं वरना ये भी ख़त्म कर देंगे। अच्छा यार आ गया हूँ घर वापस और आज दोस्त की शादी में बहुत मज़ा आया, बहुत फन किया और उसके अलावा आज जो भी साथ सब कुछ था वो आप लोगों के साथ परफेक्ट टाइम पे और परफेक्ट तरीके से शेयर किया गया और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि जो भी मेरी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही हैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करता जा रहा हूँ और ख़ुद भी इंजॉय करता जा रहा हूँ। आगे ये है कि बस अब थक चुके हैं, थके हुए हैं और बस अब दिल चाह रहा है कि बस बिस्तर हो, हम हो और सो जाए, तो गलत ना समझना। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूँगा बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में। ओके आस्ता अभी आस्ता।